जाएगी क्या बंदे ने भेजा है? वाई क्या जरूरत पड़ गई सीएल की? डेपुटेशन देने के लिए सीएल की जरूरत पड़ गई? कितने लोग आए हो आप? नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? ज्ञापन ही तो दे रहे हो, ज्ञापन के लिए आप छुट्टी लेके आ गए यहाँ मेरे घर पे, छुट्टी लेके आ गए। इन पांचों को सस्पेंड कर दो। नहीं ऐसा नहीं, निलंबित करो इन पांचों। क्या क्या नाम है तुम्हारा बोलो? ये कौन सा तरीका तुम्हारा? किसने टीचर बना दिया तुमको? नहीं, किसने बनाया तुमको? शर्मबाजी है, पढ़ाने का टाइम है बच्चों को, तब तो तुम ज्ञापन दे रहे हो। मेरे पर्सनल रेजिडेंस में ज्ञापन देने की कहां जरूरत पड़ गई आपको? वर्किंग डे में आप बाकायदा मेरे से समय लेते, मेरे ऑफिस में आते, मेरे सेक्रेटरेट में आते। ये कौन सा तरीका हुआ कि तुम मतलब अगला घर आया है और ज्ञापन लेकर के तुम आ रहे हो? एक की भी छुट्टी नहीं। आप अंदर बैठो, एक बार अंदर बैठो, एक इनके सबकी टेलीफोन करके पता लगाओ ये छुट्टी लेके आएंगे। अंदर बैठो, चलो अंदर बैठो, अंदर बैठो। आप प्रिंसिपल सारे अंदर बैठो भाई, बैठो अंदर। आप जाओ, मैं अपने आप कर लूँगा। इनका पता लगाओ, इनके पीओ से फ़ोन करो और इनको पता लगाओ, अगर ये छुट्टी दे के आए इनको छोड़ दो, नहीं इनको सस्पेंड कर दो। दूसरे का काम ही नहीं करने देते हैं और जिनके अपन लेके आ जाते। बोलिए पांचों में पीओ को फोन करो, पांचों को सस्पेंड करो अगर छुट्टी लेके नहीं आएंगे। पांचों पीओ के नंबर देखो अपने, तुम बात करते रहो, आप करो अपने नंबर से। अगर ये छुट्टी लेके आए इनको छोड़ दो, अगर ये छुट्टी लेके आए इनको चारों को सस्पेंड कर दो। बैठे, हाँ कोई बात नहीं, तो अभी छोड़ देंगे ना तुम। अगर तुम छुट्टी लेके आए हो तो छोड़ेंगे। ये क्या बात है? बोले मेरे घर पे डेपुटेशन दे रहे हैं। डेपुटेशन क्या है इनका? कोई अर्जेंसी का थोड़ी है। व्याख्याताओं की पदोन्नति को कॉमन सीनियरिटी लिस्ट से शामिल हो, डीपीसी से बने व्याख्याताओं की 19, 20, 9, 17 हो, व्याख्याताओं को ग्रेड की शैक्षणिक के आधार पर। ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से, और फिर मैं समय लेऊं तब देने का? तुमने नाथी का वाला समझ लिया इसको? बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। चारों के प्रिंसिपल से बात करो, जिसने छुट्टी नहीं लेके है उसको सस्पेंड के ऑर्डर अभी डायरेक्टर को। अरे ठीक है भाई, अब हो गया, अब हो गया, जो हो गया। हम आपका काम कर रहे हैं, मंत्री जी परिवार।